Hello students! In this video, we are going to learn about the task. Which task? Task about MDP project. You have already started this project in the first term and you also got the task for the first term. You completed it also. But now, for the second term, for the term for the term 2 or second term this is the task task of subject is math class 5 you already know that i have divided all the class students in the four groups and each subject for the each group one subject for the each group is given one and there is a task on the same subject you have got the task from the different subjects also but here i am giving the task of only math so all of you watch this video with full concentration understand it what i'm saying like it subscribe it the channel and share it the video now here for the group 1 or group a someone called it as group a some called it as group 1 what you have to do here write the name of all variants of the covid-19 that is the first task नेक्स्ट वन इज यह सब्जेक्ट इज द कोविड एंड पेंडेमिक दैट इज द सब्जेक्ट वन फर्स्ट टास्क इज दिस वन और सेकेंड टास्क इज वाट इज द इफेक्ट ऑफ कोरोना ऑन इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म अब एक बार आराम से हिंदी में समझ लीजिएगा बच्चों आपका सब्जेक्ट है कोविड एंड पेंडेमिक ठीक इसमें करना क्या है तो कोरोना वेरियंट्स के जितने अलग अलग वेरियंट्स है सबका नाम आपको लिखना है ये आसान काम है थोड़ा ये नीचे वाला काम टी है थोड़ा मुश्किल है इसको आपको समझ लेना है कोरोना जब से आया मार्च 2020 में इंडिया में फर्स्ट फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा और फिर कम ज़्यादा होता रहा कभी स्कूल खुले कभी नहीं खुले खुले कभी इंडस्ट्री चली कभी नहीं चली तो क्या क्या इंडस्ट्री मतलब क्या होता है इंडस्ट्री में आप क्या करेंगे बच्चों कोई भी दो इंडस्ट्री के बारे में आप सोचेंगे एनी टू एनी टू इंडस्ट्री के बारे में आप कौन सी कौन सी इंडस्ट्री होती है जैसे एक मेडिसिन इंडस्ट्री है जिस उसके बाद फूड फूड पैकेट जो बनाती है बिस्किट इंडस्ट्री है उसके बाद केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं बहुत टाइप के इंडस्ट्रीज होती हैं कार जिसको हम चलाते हैं या व्हीकल इंडस्ट्री है इसमें टू व्हीलर थ्री व्हीलर फोर व्हीलर आ गया तो आप कोई भी दो इंडस्ट्री चुनिए और कोरोना का इफ़ेक्ट क्या हुआ क्या उनका प्रोडक्शन बढ़ा कि कम हुआ ये आपको फाइंड आउट आप करना है सेम ट्रांसपोर्ट आपको पता है तीन टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है रेलवे बस एयरपोर्ट एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो रोड ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट तो इसमें क्या फ़र्क हुआ क्या बदलाव हुआ क्या जो ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं उनका फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ नुकसान हुआ था अंदाजन कितना हुआ और टूरिज्म टूरिज़्म में इंटरनेशनल और नेशनल दो टाइप का टूरिज्म होता है तो उसमें तो आपको पता ही सब लॉकडाउन तो सब बंद ही था तो कितना नुकसान हुआ टूरिज्म में जो टूरिज़्म बिजनेस में जो लोग काम करते हैं उनका कितना नुकसान हुआ एक अंदाज आपको जो भी मिलता है यहाँ पे आपको लिखना है फॉर द ग्रूप टू सब्जेक्ट इज वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया हियर यू हैव टू फाइंड द वेट ऑफ अडल्ट एंड कट्स ऑफ लायन टाइगर एलिफेंट क्रोकोडाइल एंड राइनोज आल्सो ड्रॉ टेक्स्ट पिक्चर ऑफ ऑल दीज एनिमल्स बच्चों इस सब्जेक्ट जो आपको मिला है वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया में आपको करना क्या है जो अडल्ट जो एनिमल्स हैं ना लायन टाइगर एलिफेंट क्रोकोडाइल एंड रैनो इनके पिक्चर्स चिपकाने हैं या ड्रा भी कर सकते हैं आप ड्रा कर मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा अब चिपकाने के लिए ज़रूरत नहीं कि आप मार्केट से महंगे ले लेके आएँ चार्स लेके आइए या तो न्यूज़पेपर पेपर मैगजींस में ये सब पिक्चर्स आते रहते हैं कट करके लगा दीजिए या तो ड्रा करिए जैसे आप जैसे आपको आता है ड्रा कर सकते हैं और इनका वेट क्या होता है अडल्ट का और जब उनका बच्चा जन्म लेता है तब तो उसका वेट क्या होता है अप्रोक्सीमेट वेट आपको लिखना है ग्रुप सी सब्जेक्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल वाई वे रिक्वायर राइट ऑल इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द रैपर ऑफ फास्ट फूड एनी वन बिस्किट पैकेट एनी टू करना क्या है समझ लीजिएगा पहले तो इसका आंसर लिखिए कि हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत क्या है वैसे सबको समझ में आ ही गया कोरोना ने सबको बता ही दिया कि बैलेंस डाइट कितना इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट है वगैरह आपको क्या करना है बच्चों रैपर्स आते हैं फास्ट फूड के जैसे आप चिप्स वगैरह खाते हैं तो उसमें इन्ग्रीडियंट्स क्या क्या है वो आपको लिखना है मतलब किससे वो किन चीज़ों से ये बना है साथ में रैपर पे लिखा रहता है हंड्रेड ग्राम में उसकी कितनी कैलोरी एनर्जी मिलेगी विटामिन क्या है कितने प्रोटीन है कितने फैट है पूरा एक चार्ट रहता है बच्चों वो चार्ट आपको लिखना भी है और उसको पेस्ट भी करना है तो बिस्किट पैकेट कोई भी दो कंपनी के लीजिए बहुत सारे तो ब्रिटानिया कंपनी है पतंजलि है और नेस्ले के कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो जो भी आपको कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट लीजिए और एक दो तीन जितने आपको बिस्किट पैकेट मिलते हैं उसको रैपर निकालिए उसमें इंफॉर्मेशन लिखी रहती है वो लिखिए और उसको ये रैपर को चिपका दीजिएगा Now for the group D or the fourth group, the subject is the festival of India. Find the total amount spent of you, your family on Diwali, Dashera, Ganpati festival, Eid, Christmas. और, और इसमें से अलग आपको कोई चाहते हैं, तो आप अलग भी कोई festival जोड़ भी सकते हैं। Compositor ने इसपे लिखना है, और कोई festival आपका ज़्यादा favourite हो, जैसे pongal मनाया जाता है south में। तो जो अगर नॉर्थ ईस्ट में बिहू मनाया जाता है तो जो भी आपका फेस्टिवल है आ, वो उसके बारे में आप लिख सकते हैं इतना इसमें से एक आध डिलीट करके आपका मन का भी आप ऐड कर सकते हैं तो इसमें आपने कितना खर्चा किया हर एक फेस्टिवल में उसमें क्या आपने घर में कलर किया कपड़े चेंज किए सोफ़ा खरीद लिया बहुत सारी चीज़ें परचेस करते रहते हैं आ, कभी खाने की चीज़ें मंगाते हैं मोबाइल ले लिया लैपटॉप लिया टीवी लिया तो जो भी फेस्टिवल से लिया तो उसका आप लिख सकते हैं साथ में ऑल्सो राइट लिस्ट ऑफ़ द आइटम परचेस एंड इट प्राइस अगर पॉसिबल है जितना याद है तो आप अपने लिए बैग खरीद लिए परचेस लिए पर्स खरीद लिए कपड़े खरीद लिए है ना तो आप अपने लिए टैबलेट या मोबाइल कुछ खरीद लिया या टी वी तो उसका प्राइस अगर आपको याद है तो अप्रोक्समेट तो 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 प्राइस यहाँ पर आप लिख सकते हैं बच्चों तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे आप कॉमेंट्स करके बताइएगा ये सारे काम आपको जो आपने पहला काम किया था मैंने कि जहाँ एम का फर्स्ट टर्म का प्रोजेक्ट किया था उसी में ही आगे करना है इसके लिए नया कुछ नहीं बनाना है है ना याद रखिएगा नो न्यू नो न्यू कुछ भी न्यू नहीं चाहिए हमें तो क्या होना है उसको ओल्ड में अब क्या करना है कंटिन्यू करना है प्रोजेक्ट ओल्ड आपका प्रोजेक्ट है ना उसमें ही आपको क्या करना है ये कंटिन्यू करना है ठीक है तो ये याद रखिएगा तो ओल्ड में ही आपको कंटिन्यू करना है उसमें पेजेस आपको जोड़ना है फाइल है जो भी है उसमें से आपको कंटिन्यू करके इस प्रोजेक्ट को बनाना है